बाड़मेर लोकसभा सीट से खींचतान के बाद जहां भाजपा की ओर से कैलाश चौधरी के नाम घोषणा के साथ ही जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं भाजपा से ही बाड़मेर सीट से सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। टिकट घोषणा के साथ ही कर्नल ने अन्याय होने का हवाला देते हुए जल्द ही निर्णय लेने की बात कही है। वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव, मूंछ की लड़ाई और सुदूर रेगिस्तान में फैला बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र, उस दौर में कांग्रेस की ओर से दिग्गज और राष्ट्रीय सचिव हरीश चौधरी मैदान में थे तो टिकट नहीं मिलने से पर भाजपा से बागी होकर चुनावी समर में कूद पड़े भाजपा के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह। ऐसे में वसुंधरा राजे ने कर्नल सोनाराम चौधरी को कांग्रेस से भाजपा में लाकर टिकट दिला दी। कर्नल पूरे दमखम के साथ लड़े और सभी पर भारी पड़े। भाजपा को एक सीट दिलाई तो वसुंधरा की जीत को भी पूरा कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर मतों से जीत कर्नल सोनाराम चौधरी का इस बार भाजपा की ओर से टिकट काट दिया। शनिवार दोपहर में भाजपा की ओर से जारी की गई सूची में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया। पार्टी के इस निर्णय से कर्नल सोनाराम चौधरी आहत है। उनका कहना है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे कैलाश चौधरी को उनका टिकट काट कर थमाने से वो आहत है। उनकी यह भी पीड़ा है कि भाजपा ने मुश्किल समय में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने उसे बखूबी पूरा भी किया, लेकिन आज पार्टी के निर्णय से वो आहत हो गए हैं। टिकट वितरण के बाद कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपनी पीड़ा डीसीएन लाइव के संपादक शिव प्रकाश सोनी के साथ दूरभाष पर साझा की। आइए आप भी सुनिए क्या कहा कर्नल सोनाराम चौधरी ने। और 94 से मैं 25 साल से राजनीति में हूँ जी, 4 बार सांसद देखा हूँ, 1 बार विधायक जी, और पिछले 5 साल से मैं सांसद हूँ। और मैं ईमानदारी से मैंने मतलब से 15 बार में रहता हूँ, आप जानते हो जी बिल्कुल। और जो समस्याएं होती है पानी की, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जो भी है उसको मैं देखता हूँ जी। और मेरे बेटा हूँ तो से मेरी टिकट काट दी, मुझे बड़ा आहत पहुंची, मुझे दर्द हो रहा है जी। सर सारी इन सारी बातों को अपने राजनीतिक करियर को पार्टी को जानकारी होते हुए भी उन्होंने टिकट काट कर कर्नल ये कैलाश जी को दी है जो विधानसभा चुनाव में आ रहा है उसका लेकर अभी इसी पर हाथ है ना, दल कह रहा हूँ जैसे आपने कहा ये जानते हुए मुझे टिकट काटी है, मुझे कुछ वजह क्या वैल्यू, मुझे जरूर राहत है और इसलिए मैंने अभी तक मेरे कुछ कार्यकर्ता आ रहे कई दिन से मिली तो उन्होंने क्या था लोगों का सा एक बार बैठक बुलाओ और बैठ करके बात करेंगे। 9 तारीख को मंगलवार को मैं 11:30-11:30 कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं मेरे से जी, तो वो आएंगे जी, सलाह मशवरा करूंगा जी और वहां पर उनकी जो राय मशवरा करके वो क्या चाहते हैं मैं फैसला करूँगा। इसमें था जी मैडम ने बीजेपी में टिकट दी जी, बीजेपी को मैंने बन पाया, आप जानते हो आप बाड़मेर के रहने वाले हो जी, बाड़मेर में बीजेपी ने क्या स्टेक थे कुछ नहीं था जी, इसलिए जो अपने के गुरु जब हार गए पर हम बराबरी में जाए जी, तो बीजेपी कही आप जिला परिषद ने पता है आप इसके जब से पंचायत राज शुरू हुआ है कुछ नहीं था जी, तो हाँ सर तो इसलिए मैं राहत है अब तो इसलिए मुझे उसके बाद में क्या फैसला तय होगा ना, जैसे आपने कहा है ना जी, क्या तय करेंगे वो फैसला करूंगा लोग कहेंगे कार्यकर्ता साथी जी। इस संबंध में आपके टिकट कटने के बाद में किसी पार्टी के बड़े लीडर से बात हुई? अरे मैं कोई बात ही नहीं, मैंने कोई कोई किसी से बात नहीं। अच्छा तो उसमें आपका चैनल है ना जी, उसमें क्या करते मुझे आते हैं, मैं 9 तारीख को 11:30 पब्लिक मीटिंग बुलाई है और उसमें आए वहाँ पे हाँ बीजेपी से नाता तोड़ने की बात सोशल साइट पे चल रही है ग्रुपों में, सोशल मीडिया में कुछ भी आ सकता है नाता तोड़ दिया फलाना कर दिया। तो 9 को जो मीटिंग करने जा रहे हैं आप कार्यकर्ता में वो कहाँ कर रहे हैं? 9 तारीख को मीटिंग करेंगे फिर चर्चा करेंगे क्या करें। 9 को कहाँ करने जा रहे हैं मीटिंग? वही बाड़मेर में। फिलहाल
पार्टी के निर्णय से आहत कर्नल सोनाराम चौधरी ने 9 अप्रैल को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी निर्णय लेने की बात कह रही हैं। यदि कर्नल ने बगावती तेवर दिखाई तो भाजपा के लिए इसकी भरपाई करना मुश्किल साबित हो सकता है।